لا نبي شبابا على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. और तहकीक तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आ चुका है और तुम्हारी तकलीफ उन पर गरां गुजरती है और वो मोमिनीन के साथ बड़े ही मेहरबान और नर्म दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की गई कि उम्मत की तकलीफ पर उनको दुख होता है, उन पर गरां गुजरती है और वो बहुत हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए कि वो उन्हें सीधे रास्ते की तालीम दे जाए। तो आज के मौजू पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक की बात करेंगे, जहां हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ को देखा कि आपने एक नबी होने की हैसियत से किस तरह से अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया, और फिर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के हवाले से भी बातचीत की। आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से हकूक हैं जो हमें अदा करने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के तनाजुर में इस उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े और अहम तरीन हकूक जो है वो आयद होते हैं। इस तरह हुब्बे मुस्तफ़ा की बाज़ अलामतें हैं, इस तरह चंद मुतालबात और तकाजे भी हैं जिनको पूरा करना वाजिब और ज़रूरी है। जिनमें से चंद एक हम आज देखेंगे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, ये वो पहला हक है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम से इस बात का अहद लिया था कि अगर नबी आखिरज़्ज़मां की बस इनके नबूवत के ज़माने में हो जाए तो वो अम्बिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और आपकी मदद और नुसरत करेंगे, जैसे कि सूरह आल इमरान में आयत नंबर 81 में मिलता है। जब अल्लाह ने पैगम्बरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दनाई अता कर दूँ और फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए जो तुम्हारे पास मौजूद चीज़ की तस्दीक करने वाला हो, तुमने ज़रूर बज़रूर उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया? उन्होंने कहा हमने इकरार किया। फरमाया तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो अल्लाह ताला ने जिन्हें इस पर वाजिब किया है, जिनमें से जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाए आपके ज़माने के में या आपके ज़माने के बाद, तो वहाँ पर ईमान लाए। अब इस सवाल ये है कि आप पर ईमान लाने का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करें कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिन्हों इसकी तरफ अपना आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा, और जो पैगंबर आप सल्लल्लाहु जो पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं इस पैगाम की तस्दीक की जाए, इस पर ईमान रखा जाए, एक कामयाबी का दारो मदार इसी किताब के अहकाम मानकर चलने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की दिलो जान से तस्दीक की जाए और ज़ुबान से इन पर ईमान लाने का इकरार किया जाए। जब दिल से तस्दीक हो जाए, ज़ुबान से इकरार हो जाए और फिर इसके मुताबिक अमल भी हो, तो फिर ईमान जो है वो मुकम्मल होता है। अगर एक चीज़ उनमें से मफकूद हो जाती है कि ज़ुबान से इकरार भी कर रहे हैं, दिल से तस्दीक भी की है, लेकिन अमल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के अहकाम के मुताबिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ईमान जो है वो नाकिस है, और नाकिस ईमान वाला इंसान जो है वो ख़तरे में होता है कि कभी भी वो भटक सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के हवाले से बहुत सी आयात भी हैं और अहादीस भी हैं, जैसे कि सूरह आराफ में आयत नंबर 158 में आता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, वो जो आसमानों और ज़मीन का बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। जो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हदायत पा जाओ। तो हदायत के लिए अम्बिया की नबी की पैरवी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबका अम्बिया के वो उम्मती जो उन अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं और अब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दोहरा अजर रखा है, एक तो अपने नबी पर ईमान लाने में और दूसरा जो है वो आखिरी नबी पर ईमान लाने में, और उनके सबका गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। पैगंबर पर ईमान लाने का जो हुक्म है वो वाजिब है और बाकी चीज़ें जो हैं वो इस पर इनाम है। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हक अदा नहीं करेगा तो उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में नाकाबिले कबूल होंगे, जैसे कि सूरह अल हदीद के आयत नंबर 28 में आता है,
अहले किताब के, यानी अहले किताब के जो ईमान वाले लोग हैं, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और इस पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लो। अल्लाह तुमको अपनी रहमत में से दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें ऐसी रोशनी देगा जिसकी वजह से तुम चल निकलोगे यानी पुल सिरात पर, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी आज जैसे अहले किताब हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं, जो अपने अपने नबी पर ईमान लाए अपने दौर में, और अब उनकी नस्लें यहाँ तक पहुँची हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दौर जो है वो देखा है, तो उनको कहा जा रहा है कि वो आखिरी नबी पर ईमान ले आए, जो वो अपने नबी पर ईमान लाए और जो उन्होंने उन अहकामात पर अमल किया उनका सवाब भी उन्हें मिलेगा, और अगर आखिरी नबी पर ईमान ले आएंगे तो उनके लिए दोहरा अजर होगा, और जो गलतियां बताई हुई अल्लाह ताला उससे भी दरगुजर फरमा देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के हवाले से हदीस भी मौजूद है, जैसे हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से उस वक्त तक किताल करूँ जब तक कि वो इस बात की गवाही ना दें कि अल्लाह को इस वक्त कोई मबूद बरहक इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो इस बात को इकरार कर लें तो वो मुझसे अपनी जान और माल महफूज कर लेंगे मगर इस्लाम के हक के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर है। तो एक दूसरी हदीस बहुत वाजह है, इस जात की कसम जिसके कब्जा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरे मुतल्लिक की सुम्मत में कोई भी यहूदी और नसरानी सुनेगा और फिर वो इस चीज़ पर ईमान नहीं लाएगा जिसे देखकर मुझे भेजा गया तो वो जहन्नमी होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उन पर ईमान लाना हर सूरत ज़रूरी है। और फिर दूसरा हक है अदब से पुकारना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुखातिब नहीं किया जाए जैसे बाकी लोग आपस में दूसरे को मुखातिब करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम से पुकारा जाए, जैसे कहा जाए या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह, यानी जैसे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करनी होती, मुलाकात करनी होती आपके सामने होते, तो वो ये ना कहते कि या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बल्कि वो आपको बुलाना होता तो वो कहते कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। तो आज अगर हम आवाज़ देंगे आपसे की बात करेंगे तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते हैं, यानी साथ में दरूद पढ़ा जाए और इंतहाई अदब के साथ जो है वो नाम लिया जाए। और इसी तरह से आयत नंबर 63 में भी 63 में आता है वला तजालु दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने को ऐसे ना बनाओ जैसा कि आपस में दूसरे को पुकारते हो। अभी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से मोहब्बत की जाए, आपके जो दुश्मन हैं उनसे बुग़्ज़ और नफरत रखा जाए, जिस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया उस पर रजामंदी का इजहार किया जाए, और जिससे नाराज हुए उस पर गुस्सा जो है, ये भी अदब नबूवत में से है। फिर तीसरा हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप पर दरूद पढ़ा जाए, दरूद शरीफ पढ़ना। और दरूद के हवाले से हमारा पूरा एक सेशन पीछे हुआ, आपने से अगर किसी ने वो नहीं लिया तो आप चैनल पे जाकर जरूर दुरूद शरीफ वाला सेशन ले, बहुत अहम था, उसमें हमने वो दुरूद देखे जो सुन्नत से साबित थे और उन पे उनके हवाले से बात की जो कि सुन्नत से नहीं मिलते। तो दुरूद शरीफ की बात यहाँ पर आती है सूरह अहज़ाब में आयत है इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, मोमिनों तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। सल्लम पर नमाज में सलाम पढ़ने को वाजिब करा दिया गया और बाज़ उलमा ने तो उसे रुकन शुमार किया, यानी इसके बगैर नमाज सही नहीं होती अगर नमाज के दौरान जो है वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह से हदीस में आता है मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरफ, जिसने मुझ पर एक बार दूर पढ़ा अल्लाह ताला उसके बदले में उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाते हैं। और एक रवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और ना ही मेरी कब्र को ईदगाह बनाओ और मुझ पर दरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है तुम जहाँ कहीं भी हो। तो इस हदीस के अंदर जो है वो 2-3 बातें हैं जो हमें पता चल रही हैं। एक तो आपसे तुमने पहली बात ये थी कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि घरों के अंदर कुरान कसरत से पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान की तिलावत जो वो कब्रिस्तानों में नहीं की जाती, कुरान की तिलावत जो है उसके लिए घर है। तो घरों को आबाद रखें, घरों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करें ताकि घर कब्रिस्तान ना लगे। और इससे दूसरा कुलिया जो हमें वो ये पता चलता है कि कब्रिस्तानों में जाकर कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे बहुत से लोग जाकर कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है, इससे बाकायदा रोका गया है। तो कब्रिस्तान में जाकर जो भी अजीज है जिसकी कब्र पर जा रहे हैं उसके लिए मकसद की दुआएं करनी चाहिए, ना कि वहाँ जाकर कुरान पढ़ा जाए।
और फिर ये कि ना ही मेरी कब्र को ईदगाह बनाओ, जैसे आजकल कब्रों पे जो है वो पक्की कब्रें बना दी जाती हैं और उस पर मेले शेले होते हैं और ढोल धमाका और ये सब चीजें, तो ये देखें इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है। वाज़े तौर पर आपके सामने हदीस मौजूद है कि इसमें रोका गया है। और फिर आपने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है तुम जहाँ कहीं भी हो। इस हवाले से और भी कई हदीस आती है, खसूसन जुमे के हवाले से, कि जो जुमे में दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई होती है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुरूद पहुंचाता है और बताता है कि ये फलां की तरफ से है। और जो दुरूद नहीं पढ़ता उसको बकील करार दे दिया गया है। अल बकील मन जिकिर तो इंदहू फलम युसल्ली अलैह, बकील है वो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और हमें हदीस से भी पता चलता है कि ऐसी मजलिस से जिनमें अल्लाह ताला का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा ना किया जाए, दुरूद ना पढ़ा जाए, तो क़यामत के दिन उन मजलिसों पर हम हसरत करेंगे कि काश उस दौरान कुछ बात कर ली जाती जिसमें अल्लाह ताला का या अल्लाह के रसूल का तस्करा किया जाता। चौथा हक ये है कि अताते रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। हम आपसे मोहब्बत तो करते हैं, ईमान भी ले आए, ठीक है, लेकिन अताअत जब तक नहीं करेंगे तो हक अदा नहीं होगा, ना मोहब्बत का, ना आपके हकूक पूरे होंगे, ना ही ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने भी रसूल मबूस फरमाए उन सब की आमद का मकसद ये रखा कि उनकी अताअत की जाए, और उन्होंने यही दावत दी कि तौहीद का जो है वो इकरार करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। इसी मकसद को सूरह निसा में भी बयान किया गया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने जो भी पैगंबर भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। किसी भी उम्मत के लिए उसके रसूल की अताअत के अलावा कोई भी निजात का रास्ता नहीं है। निजात चाहिए तो अपने रसूल की अताअत होगी, और अब जिस वक्त मौजूद है अब हर किसी के लिए जरूरी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे और आप पर ईमान लाए, तभी कामयाबी है। और इस हवाले से जो है क्यामत के दिन भी पूछताछ होगी, जैसे कि सूरह अल-अ'राफ की आयत नंबर 6 और 7 है, तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पूछताछ करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी एक सख्ती का, गुस्से का इजहार किया कि हम पैगंबरों से भी पूछेंगे किन लोगों ने जो है वो अताअत की और किन लोगों ने झुठलाया, और लोगों से भी पूछेंगे कि क्यों उन्हें अताअत की, क्यों कोशिश नहीं की, अल्लाह ताला बाहत की और कुत्तों को भी साथ में पूजा, यानी सब चीज़ों के हवाले से सवाल होगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हम अपने इल्म से तमाम हालात उनके सामने बयान कर देंगे, यानी हमारी हर हर अमल हमारा अल्लाह ताला के पास महफूज है, अल्लाह के इल्म में, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछेंगे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हम कहीं गायब तो नहीं थे, यानी ऐसा नहीं था कि हमें आपों के अमाल का जो है वो पता नहीं चल सका। तो सारी तस्वीर कशी जो हमारे सामने रख दी जाएगी, अगर वहां पर कोई चालाक बनने की कोशिश करता है या कहीं झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला जो है वो तमाम जिंदगी के जो अमाल हैं वो सामने पेश कर देंगे। और इसी तरह से जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ही जन्नत है और कामयाबी है, और नाफरमानी में जो है फिर जाहिर बात है बदबख्ती है, जहन्नुम है, शकावत है। तो निसा में आता है जो शख्स अल्लाह उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह ताला दोजख में डालेगा जहाँ वो हमेशा रहेगा, उसको जिल्लत का अजाब होगा, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब देखें जब हम अल्लाह ताला के कमाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हम तक पहुँचाएंगे हम अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर दूसरा ऑप्शन यही बचता है ना कि हमने हदूद को क्रॉस कर दिया, अपनी मर्जी कर ली। तो फिर जो हदूद को क्रॉस कर लेता है तो उसको अल्लाह ताला जो है वो दोजख में डालेगा जहाँ वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। लिहाजा अपने आप को नाकामी और अजाब से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और अदब जो है वो हर सूरत रखने की ज़रूरत है, फिर ही जो है वो कामयाबी है। और इस हवाले से जो है वो अजाब के एक तस्वीर कशी और भी की गई, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 66 से 68 के अंदर, जिस दिन उनके मुँह आग लगाए जाएंगे और वो कहेंगे कि आकाश हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते और रसूल अल्लाह का हुक्म मानते, और कहेंगे कि हमारे रब हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से गुमराह कर दिया, ऐ हमारे रब इनको दोगुना अजाब दे और इन पर बड़ी लानत कर। तो ये आज जो है हमें इस चीज़ का यहाँ पे एहसास दिलाती है कि अगर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के अहकाम
जो है उन पर मलना किया तो फिर अजाब है, और उस दिन जो है फिर इंसान पछताएगा कि क्यों जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम की अताअत नहीं की, क्यों रसूल का हुक्म नहीं माना। तो उस दिन जो है वो ये उज़र कबूल नहीं किया जाएगा कि हमने हमें हमारे सरदारों ने या फिर हमारे बड़ों ने जो है वो हमें गुमराह किया। तो इसलिए आज जब आपको कोई दीन की सही बात बताता है और दलील के साथ बताता है तो उसे कबूल कर लिया करें, खुले दिल से ना सही हक बात को कबूल करने की ताकत पैदा करें। आज तो यही होता है कि हम कहते हैं कि हमेशा से तो हम यही करते आ रहे हैं, या अगर हम किसी बुजुर्ग को कोई गलती उनकी बताएं किसी भी एतबार से तो वो कहते हैं कि हम फिर सारी जिंदगी गलत करते हैं, या हमारे वालदे ने गलत सिखाया जो आज आप लोग आकर हमें नया दिन सिखा रहे हैं। तो असल में देखा देखी जो है वो नस्ल दर नस्ल कोई अमल चलता रहता है और कोई गाइड ही नहीं करता। जब कोई तो किसी को समझ में आता है, कोई कुरान और हदीस से पढ़ता है, उसके खानदान का ही बेशक वो हो, तो वो जब कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है तो उसे लोग मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। तो इसलिए जो है ना हक बात को कबूल करने की इस बात होना बहुत ज़रूरी है, और इल्म को सीखने की इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी ताकीद भी की और इतनी फजीलत भी रखी ताकि इबादत जो है वो सही अंदाज से हो सके। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने डरावे के तौर पर बयान किया, बस चाहिए कि वो लोग डर जाएं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं कि उन्हें कोई आजमाइश पहुंचे या दर्दनाक अजाब में मुबतला कर दिया जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे आजमाइश में मुबतला करते हैं और अजाब भी जो है वो नाजिल करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला पिछली कौम की तरह मेरी कौम को जो है वो दुनिया में तबाह ना करना, खत्म ना करना। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ उनकी कबूल किया, वरना जितने गुनाह इस वक्त इस उम्मत में हो रहे हैं शायद पिछली उम्मतों में इतने गुनाह नहीं थे। उन सब का एक एक गुनाह या दो दो गुनाह जो हमारे सामने रखे गए खास तौर पे, लेकिन उन सारी उम्मतों के जो एक एक गुनाह थे ना वो हमारी इस उम्मत में इकट्ठे हो चुके। इतना जुल्म है, ज्यादती है, गुनाह है, और पता नहीं क्यों कौन सी बुराइयाँ और कौन कौन से गुनाह हो रहे हैं कि जब इल्म में आता है तो समझ में नहीं आता कि ये वाकई हकीकत है या नहीं। और कई ऐसे गुनाह हैं जो हमारे इल्म में ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त हमें सीधे रास्ते पर अमल करने की और दूसरों को लाने की ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया में कोई अजाब ना भेजे। अभी भी आप देखें कितनी बारिशें हो रही हैं और कितना जो है फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां ही हैं। अल्लाह ताला सबक ही सिखाना चाहते हैं कि ताकि डरने वाले डर जाएं, सबक हासिल कर लें, नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल कर लें। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या, नसीहत हासिल करने के बजाय मजाक उड़ाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस और कार्टून और वीडियोस बनाकर जब शेयर की जाती हैं कि सर्दी आ रही थी, गर्मी आ रही थी, या गर्मी आ रही थी, सर्दी आ रही थी, मतलब इस किस्म के मजाक बनाकर उसको लिया हुआ है, उससे सबक हासिल ही नहीं कर रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों जो बार बार जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ आ रही हैं कि हम समझ जाएं, सुधर जाएं। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामे वसीला की दुआ करना भी आपके हकूक में से शामिल है, और आप नबी सल्लम से मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम आपके लिए मकामे वसीला की जो है वो दुआ करें। इससे मुराद मकामे महमूद है जिसे दुआ है अजान के बाद की, उसमें खसूसन इस हवाले से दुआ की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। आपने फरमाया कि जो अजान सुनकर ये दुआ करेगा, यानी कि जो अजान के बाद की दुआ है, तो उसके लिए रोजे क्यामत मेरी शिफात हलाल हो जाएगी। देखिए वाजिब नहीं बोला, हलाल हो जाएगी, कि उसके लिए अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं भैया आप रमजान की पहले खबर दे दें तो जन्नत वाजिब हो गई। तो इस किस्म की बातें जो है ना इससे दूर रहें, और उनको भी समझाएं कि ऐसी बेदलील बातें ना किया करें। तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत अत्तामा والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته। तो ये दुआ है, और ये दुआ हमें करनी चाहिए। अजान को तवज्जो से सुना जाए, साथ साथ जवाब दिया जाए, उसके बाद दुरूशी पढ़ा जाए, और फिर जो है ये दुआ पढ़ी जाए। जैसे एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी सिखलाया कि जब तुम मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो ऐसे ही जैसे वो कहता है, और फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, और फिर अल्लाह ताला से वसीला का सवाल करो। बेशक ये जन्नत में एक ऐसा मुकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक इंसान के लिए है, और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही हूँ जिसने मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला का सवाल किया, उसके लिए मेरी शिफात हलाल हो गई। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और ताज़ीन जो है ये आपके हकूक में शामिल है। नुसरत से क्या मुराद है कि
अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी लगाई और आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और आज वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जो है रास्ते पर लाएं और इस्लाम की जो है वो नशर वशात में अपना हिस्सा डालें। तो यही नुसरत से मुराद मदद करना ही है कि अल्लाह ताला के कामों में ताबुन करना, जो दीनदार लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के काम किया जाए, अपना हिस्सा डाला जाए, और इससे मुराद जीत भी ली जाती है, नुसरत से मुराद जीत। और ताजीम जो है, ताजीम से मुराद इज्जत करना है, मोहब्बत के साथ बड़ाई बयान करना है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी बड़ाई ना बयान की जाए कि अल्लाह ताला से भी ऊपर मुकाम दे दिया जाए। अक्सर नातें जब पढ़ी जाती हैं तो उसमें कुछ ऐसे कलमात आ जाते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या फिर रोज़ा मुबारक को जो है वो अल्लाह ताला से भी बुलंद मुकाम दिया जा रहा होता है। तो ऐसे नातें जो है वो फिर शिर्कियां नातें होती हैं, ये नहीं करना चाहिए। नात जरूर पढ़ें लेकिन अच्छे खूबसूरत अल्फाज हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी आप की तारीफ बयान किया करते थे, आपके सामने ऐसे अशार पढ़ा करते थे। हसान बिन साबित के हवाले से आते कि आप नातें जो है वो लिखा करते और सुनाया करते। तो इसमें हर्ज नहीं है लेकिन अल्फाज दुरुस्त होने चाहिए। मोहब्बत में हम जो हदूद है ना वो ना क्रॉस करें। और ये के जो दीन है, इस्लाम है, उसको फैलाने में जो है वो हम अपना रोल जो है वो प्ले करते रहें, अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते रहें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम के हवाले से मज़ीद देखें तो इसमें आता है कि तीन तरह से होती है। पहला है कि दिल से तज़ीम करना, इसका मायने यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबे नबुव्वत और रसालत का दिल से इकरार करें, आपके आला मुकाम और मर्तबा का मुअतरिफ हो यानी एतराफ़ करें, और आपके दिल जान, दौलत माल और हर चीज़ से मोहब्बत करें। और जबान से ताजीम और तौकीर का मतलब ये है कि आपकी उन सिफात का तस्करा किया जाए जिनके आप बजा तौर पर अहल मुस्तहिक हैं। आपने जो सिफात खुद बयान फरमाई है, जैसे अल्लाह ताला ने आपकी जो सिफात बयान की हैं उन सब का तस्करा किया जाए, लेकिन गुल, तशद्दुद, तफरीत, अफराद, इन सब से बचा जाए। जैसे भी मैंने आपके सामने नाक के हवाले से बात की। और फिर है एजाज से ताजीम और एहतराम, आपके तमाम अहकामों अवामिर पर अपने एजाए जिस्म के साथ अमल किया जाए, आपके लाए दीन को दीगर तमाम अदियान पर गालिब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, आपकी शरीयत की मदद और नुसरत की जाए। तो देखें, हमें अपना रोल प्ले करना है। अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, जो जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा दायरा कह रहा है, उसमें हम अच्छे अंदाज में जरूर अपना हिस्सा डालें। और अल्लाह ताला जो है ना वो कोशिशें देखते हैं और इखलास देखते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देखते किसने कितना बड़ा काम किया है या किसने कितनी ज्यादा नेकियां जमा कर ली है, बल्कि अल्लाह ताला इखलास देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, कोशिश देखते हैं। और फिर देखें कि जब भी कोशिश के हवाले से बात आती है हिस्सा डालने के हवाले से, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग जलाई गई थी वो वाला वाकया ज़हन में आ जाता है कि जैसे एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में जो है वो आग बुझाने के लिए पानी लाती थी, और दूसरी साइड पे छिपली थी जो फूंक मारती थी ताकि आग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो उस दौरान जो चिड़िया थी, आप खुद सोचें कि जितना आग का वो अलाव था और कई दिनों की जलती आग, और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ डाला गया, और इतनी बड़ी वो आग तैयार की गई, तो उस आग को बुझाने में एक चिड़िया की चोंच में कितना पानी आता होगा, उससे कितना कुछ आग को फर्क पड़ता होगा। शायद वो करीब आते आते सूख जाता हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको याद रखा और उसका तذکرہ आज तक किया उस चिड़िया के हवाले से कि वो एक अच्छा काम कर रही थी, आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी तारीफ जो वो रखी गई है हदीस की शक्ल में हमारे सामने ये आती है बातें कुरान की आयात के हवाले से। तो हमें भी बस इतना ही, अगर हम रोल प्ले कर लें जैसे चिड़िया ने किया, तो भी अल्लाह ताला कदरदान है, कदरदानी करेंगे कि हाँ, ये अल्लाह की बंदी ने सोचा इस बारे में कि अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए मैं अपनी सलाहियतें लगाऊं, अपना जहन लगाऊं, जो नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं उनको मैं अल्लाह ताला के रास्ते में भी लगा दूँ। तो ये अल्लाह ताला ने चीज़ देखनी है। तो इरादा करना है कि हमने जरूर कोशिश करनी है जितना हो सका, हमसे पहले खुद अच्छे अमाल करें और फिर दूसरों तक पहुंचाएं। और फिर तजीम के हवाले से जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक में आता है कि सहाबा कराम की भी तजीम की जाए, क्योंकि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे जो आपकी सोहबत में रहे, और अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी हमराही के लिए चुना था, और वो हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करते, आपकी नुसरत करते, अपना तन मन धन हर चीज़ आप परवार देते थे, और किसी अजीज से अजीज तर को भी खाते ना लाते थे, ना ही अल्लाह के दीन के बारे में किसी मलामत करके मलामत का खौफ रखते थे। यानी उन्होंने तहैया कर लिया था कि हमने नबी का साथ देना है, और फिर ये कि इस्लाम जो सच्चा दीन है उसको जब कबूल कर लिया तो फिर उसके हवाले से कंफ्यूज नहीं थे, बल्कि पुरअमन थे और
आप कह लें कि पूर्वकार थे कि हमें जो कबूल किया वह हक है और वो सच है। और अगर फिर उनके करीबी रिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आते हैं या आपको पहुँचा तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करते, तो वो उनके सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं मुकाबले के लिए कि हमारे नबी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। जैसे मुनाफिक सरदार अब्दुल्ला बिन उबई के हवाले से आता है कि उनका जो बेटा था अब्दुल्ला, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें कि मैं अपने बाप का सर काट कर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो ये कलमा देखे वो बेटा कहता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो सबसे बढ़कर अपने वालिद से हुस्न सलूक करने वाला है। यानी जब उन्होंने हक को पहचान लिया, फिर इतने अच्छे अंदाज से पहचाना कि सुबहान अल्लाह, अल्फाज ही नहीं। और फिर देखें कि और भी कई हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं जिसमें आता है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, फिर पूरे अंदाज से माना, सही उसका हक अदा किया। जैसे आपकी जोजा उम्मे हबीबा के हवाले से भी आता है, जो कि हजरत अबू सफियान की बेटी थी, लेकिन हजरत अबू सफियान ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो 16 हदीबिया के मादा के लिए की मुदत जो है वो बढ़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए, तो उनकी जो बेटी उम्मे हबीबा थी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को लपेट दिया कि जो उनके वालिद हैं जो कि मुसलमान नहीं है, मुशरिक हैं, काफिर हैं, तो वो कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर ना बैठ जाए। तो वे उन्होंने अपनी बेटी से पूछा भी अबू सफियान ने कि ऐसा क्यों किया, तो आपने कहा कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं वो तो पाक हैं और आप वलीद इंसान हो, तो इसलिए नहीं बैठ सकते। यानी इस चीज का यहाँ तक उन्होंने लिहाज रखा। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानों के नजराने तक कुर्बान कर देना, और सहाबा कराम की जिंदगी हमें इस हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में नजर आती है कि किस तरह से वो जाने कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक गज़वे उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसारियों और कुरैश के 2 आदमियों के हमरा अकेले रह के, जब दुश्मन ने आपको घेर लिया तो आपने फरमाया, कौन है जो उन्हें हमसे हटाएगा, इसके लिए जन्नत है या वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। तो अंसार में से एक आदमी आगे बढ़ा और जंग की, यहाँ तक कि शहीद हो गया, फिर भी काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन्हें हमसे दूर करेगा उसके लिए जन्नत होगी या वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। बस अंसार में से एक और आदमी आगे बढ़ा, लड़ा, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। ये सिलसिला बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि 7वां अंसारी भी शहीद हो गया। तो ये हालात थे सहाबा कराम के कि उन्हें आप की मोहब्बत में अपनी जान की भी जो है वो परवाह नहीं थी। और हजरत अनस फरमाते हैं कि उहद के दिन जब लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागे, तो अबू तलहा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने आप को एक ढाल बनाकर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे छुपाया हुआ था कि आपको कोई तीर ना पहुंच लग जाए या कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अबू तलहा एक अच्छे तीरंदाज थे जिनकी कमान की तांत बहुत सख्त हो गई थी। वो उस दिन 2 या 3 कमानें तोड़ चुके थे और जब भी कोई आदमी उनके पास से तीरों से बराबर तरकश लेकर गुजरता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते, इन तीरों को अबू तलहा के सामने डाल दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुबारक उठाकर काफों की तरफ देखते, तो अबू तलहा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, सर ऊपर ना उठाइए, मुबादा काफरों का कोई तीर आपको लग जाए, मेरा सीना आपके सीने के आगे है। तो एक तस्वीर कशी की है हजरत अनस ने कि किस तरह से अबू तलहा की मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और वो खुद सीना तान के खड़े थे और अपने ऊपर जो है वो तीरों को ले रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो पहुंचने नहीं दे रहे थे। और फिर है कि ज्यारत मुस्तफ़ा की तमन्ना रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकुक में से कि हमारी हर किसी की तमन्ना होनी चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो उनकी ज्यारत करें और उनसे मुलाकात रखें। जैसे सहाबा कराम की जिंदगी में देखें तो हमें कई वाकयात मिलते हैं कि किस तरह से उन्हें तड़प थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उनसे मिलने की। जो मदीना में होते वो आपसे मिले, मक्का आते मक्का में थे तो मदीना थे, मदीना जाते, यानी आपसे तो को मिलने की, उनका दीदार करने की उन्हें हर वक्त तड़प रहती है। कई साथी ऐसे थे जो मस्जिद से ही नहीं जाते थे कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा होने वाले हर लफ्ज़ को जो है वो हासिल करना है। और कुछ इतनी मोहब्बत और अकीदत में थे कि वो कहते थे कि हमने कभी आंख भर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। तो कई ऐसे वाक्यात हमें मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के हवाले से उनकी मोहब्बत और ताजीम थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरशाद है कि मेरी उम्मत के मुझसे शदीद मोहब्बत रखने वाले वो लोग हैं जो इस बात की ख्वाहिश रखते और तमन्ना करते हैं कि उन्हें अपने सारे अहलो आयाल और दौलत माल के इवज ही मेरी जियारत नसीब हो जाए। और एक और हदीस आती है कि मेरी उम्मत में से मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कौम वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और वो चाहेंगे कि अगर अपना तमाम माल और अहल देकर भी वो मेरी जियारत का शर्फ हासिल करें तो सौदा महंगा नहीं।
और बरा बिन आजी फरमाते हैं कि मैंने अहले मदीना को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना उस दिन वो खुश थे जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे। और इसी तरह से आपके हकूक में से एक हक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला में रजामंदी का इजहार किया जाए, जो आपने फैसला फरमा दिया उसे मनोअन कबूल कर लिया जाए, उसमें एतराजात ना किए जाए या नुक्ताचीनी ना की जाए कि ऐसा नहीं, कि ऐसा हो सकता था या ऐसा क्यों हुआ। हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक अल्लाह ताला के अहकामात हैं और फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी के तवस्सुल से जो अहकामात हम तक पहुंचाए, तो ये अल्लाह ताला के फैसले हैं और हमें उन्हें उसी तरह से कबूल कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर हुक्म के बारे में हमारी समझ जो है वो जवाब दे तो फिर ही हम कहें कि हाँ अब हमें समझ आ गया, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात को हमें सोचे समझे बगैर ही कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से है जिसने हमें पैदा किया है, जो खालिक है इस कायनात का, हर चीज का मालिक है, रासिक है, हाकिम है, यानी हर तरह की सिफात उसके पास मौजूद है, तो उसने बड़ी हिकमत के साथ फैसले किए हैं, उसको उसी तरह से कबूल कर लेना चाहिए। और आखिरी पॉइंट आपके सामने रखूंगी, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं लेकिन अभी चूंकि हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको जिंदा किया जाए, सुन्नतों पर अमल पैरा हुआ जाए और सुन्नतों को जिंदा किया जाए। और सुन्नतें जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी सुन्नतों से शुरू करें, बहुत छोटी छोटी सुन्नतें जैसे दुआएं हैं हर मौका की, आप सब की सुन्नत ही वॉशरूम जाने की, आने की, खाना खाने से पहले बाद की दुआएं, पानी पीने का सुन्नत तरीका, सुबह शाम के अजकार आपकी सुन्नत थी, नमाज के बाद के अजकार आपकी सुन्नत थी, फिर रात सोने से पहले के अजकार आपकी सुन्नत थी, सुबह उठकर दुआ पढ़ना आपकी सुन्नत थी, तहज्जुद में उठना आपकी सुन्नत थी, यानी ये सब चीजें हम सबको इल्म में है, लेकिन बस ये है कि उसको उसकी तस्कीर की जरूरत है और इरादे बांधने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक अदा करने की तौफीक दें और सच्चे अंदाज से आपकी मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में दाखिल करें और आपकी सुन्नतों पर अमल पैरा होना हमारे लिए आसान फरमाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व